जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज शाम 5 बजे से जो जियो फोन की बुकिंग होने वाली है ऑनलाइन, वो फ़ोन की हम बात करेंगे जो 5:30 बजे से ऑनलाइन बुकिंग होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये www.jio.com, ये जियो की ऑनलाइन ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जियो का एक स्मार्टफोन दिखाया है। यहाँ पे आप जैसे ही ये 5:30 बजे साइट खुलेगी, आपको यहाँ पर एक बुक फोन लिखा हुआ आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इसको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे पिन कोड नंबर पूछा जाएगा। जैसे ही आप पिन कोड नंबर डाल देते हैं तो आपको फिर बुक नाउ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको पेमेंट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि पिन कोड नंबर जो डालना है आपको अपने एरिया के उसी स्टोर के डालने हैं, क्योंकि यह फ़ोन आपके घर पर नहीं आएगा। आप जैसे ही बुक करेंगे, यह फ़ोन आपको अपने नियरेस्ट जो भी स्टोर है वहाँ पर आपको लेके आना पड़ेगा उस स्टोर से। बाकी आप 1000 रुपीज़ दोगे, क्योंकि अभी जब बुक करोगे तो सिर्फ आपको 500 रुपये देने होंगे। 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसको बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए रिलायंस डिजिटल नाम से ये साइट है, ऑफिशियल साइट है रिलायंस की। इसके अंदर आपको यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिए, एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लोकेटर का साइन दिख रहा है। इस लोकेटर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टोर लोकेटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये देखिए पिन कोड नंबर। ये आपको अपने एरिया का नियरेस्ट जो भी स्टोर होगा उसके पिन कोड नंबर डाल देने हैं यहाँ पे। जैसे मैं अभी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने 3028 डाला है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोर का नाम आ रहा है, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे है और ये मानसरोवर के अंदर है, और इसका टाइमिंग दिखा रहा है 11 से 10 बजे के बीच में। ऐसे ही आप अपने नियरेस्ट स्टोर का नाम और उसका पिन कोड नंबर यहाँ से देखकर आप वहाँ पे डाल सकते हैं। पिन कोड नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको बुक कर देना है। बुक करने के बाद आपको 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, उसके बाद में आपका फ़ोन बुक हो जाएगा। और जब सेप्टेम्बर में इसकी डिलीवरी होगी तब आपके पास में मैसेज आ जाएगा। अभी जब बुक करोगे आप तो आपको स्टोर से जाके इसको कलेक्ट करना होगा और बाकी 1000 रुपये वहाँ पे जमा कराने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बुकिंग। इसको आप माई जियो ऐप से भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पूरा माई जियो ऐप से बुक करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 153 का अनलिमिटेड डाटा का पैक होगा, इस फ़ोन के लिए स्पेशली आया है। और इसके अंदर ये फीचर्स होंगे क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये QVGA डिस्प्ले होगी इसकी, ये देख लीजिए आप। इसके अंदर FM रेडियो होगा और कैमरा होगा इसका, फ्रंट और बैक दोनों कैमरे दिखाए गए हैं। टॉर्च भी है इसके अंदर, और ये बैटरी चार्जर वगैरह है। इसकी मैं डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूँ। या देखिए, इसके अंदर एक जियो असिस्टेंट है जो आप वॉइस कमांडेड है। इसको आप कॉल करने के लिए बोलोगे तो कॉल हो जाएगा, किसी को SMS करने के लिए बोलोगे तो SMS भी कर देगा, ये म्यूजिक प्ले कर देगा, आपकी कुछ भी कर सकते हैं बोलने से इसके अंदर। और इसके बाद में आप देखेंगे 22 इंडियन लैंग्वेज के अंदर ये फ़ोन आने वाला है। और ये इसके अंदर जो है आपको माई जियो की सारी ऐप्स देखने को मिलेंगी, जो जो ऐप्स है इसके अंदर। आप इसको TV से कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट जो दिख रहा है यहाँ से आप TV में इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके अंदर टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। आपको देखने को मिल रहा होगा 2.4 की डिस्प्ले है, इसके अंदर रेजोल्यूशन 320x240 होगा। और KaiOS पे, ये KaiOS पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। और इसमें सिंगल सिम होगी, वो भी नैनो सिम, माइक्रो से छोटी आती है, नैनो वाली होगी। इसके अंदर हेडसेट आएगा, रिमूवेबल बैटरी आएगी, चार्जर अडेप्टर सब आएंगे इसके अंदर। उसके बाद में अगर इसकी अपन प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर 1.2 GHz ड्यूल कोर की प्रोसेसर होगा इसके अंदर, और 512 MB इसके अंदर मेमोरी होगी, मतलब कि रैम जिसको बोलते हैं। और बैटरी 2000 mAh की बैटरी होगी, 12 घंटे आप इससे बात कर सकते हैं, स्टैंड बाई 15 दिन होगा इसका। इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर 4 GB इंटरनल मेमोरी तो आएगी और 128 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो कैमरा मैंने अभी आपको बताया था, वो कैमरा जो है इसका बैक वाला 2 MP और फ्रंट वाला 0.3 MP होगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर होगी, क्योंकि इसके अंदर जैसे अपन कॉलिंग बटन होता है ग्रीन वाला, उसके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन दे रखा है। और म्यूजिक प्लेयर होगा इसके अंदर, वायरलेस FM रेडियो होगा, और 720 प्लेयर जो है 720p पे चला सकते हैं आप इसके अंदर। लाउड स्पीकर होगा, रिंगटोन वाइब्रेशन सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर 4G फ़ोन होगा, अभी कम्प्लीटली 4G होगा ये, और वाईफाई होगा इसमें, NFC होगा, जो पेमेंट के वाला NFC है वही NFC है इसमें, ब्लूटूथ होगा इसके अंदर, और GPS होगा, और USB कनेक्टिविटी होगा, तभी तो आपका TV चलेगा इसके साथ में। आपको हॉटस्पॉट इसके अंदर अभी के लिए फीचर्स तो है इसके अंदर, लेकिन अभी ऑफ कर रखा है इसका, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको ऑन कर दिया जाएगा। अभी
इसलिए ऑन नहीं किया है क्योंकि इसका जियो वाईफाई जो डिवाइस है वो नहीं चलेगा। अगर इसी के अंदर वाई हॉटस्पॉट दे दिया तो वो डिवाइस बिकना बंद हो जाएगी, इसलिए इसको अभी नहीं निकाला है। अगर इसकी सेल कम होती है तो जियो वाला इसके बारे में सोचेगा। हॉटस्पॉट अभी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको लेना हो तो आप सोच लें कि आपको हॉटस्पॉट ज़्यादा ज़रूरी है या फ़ोन। तो दोस्तों अभी यह फ़ोन बुक करें, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो आपको करना ही है, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।